दोस्तों ईपीएफओ की तरफ से काफ़ी बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। ईपीएफओ ने 7 संस्थानों के खिलाफ अदालत में किया केस, तो मैं आपको पूरी डिटेल से इस अपडेट के बारे में बता देता हूं। कर्मचारी भविष्य निधि के क्षेत्रीय कमिश्नर निशांत यादव ने 7 संस्थानों के खिलाफ अदालत में केस दायर किया है। इन संस्थानों के खिलाफ यह विभागीय एक्शन काम करने वाले कर्मचारियों के यूएन यूनिक अकाउंट नंबर केवाईसी को कर्मी के आधार मोबाइल और बैंक अकाउंट से अभी तक लिंक न करने पर लिया गया है। इसमें अमृतसर के अलावा गुरदासपुर, पठानकोट और तरनातारण के संस्थान भी शामिल है। अब इन संस्थानों के अधिकृत अधिकारियों या मालिकों को अदालत से जमानत करवानी होगी। उन्होंने बताया कि विभाग जब सदस्य कर्मियों को ऑनलाइन सुविधा दे रहे तो प्राइवेट संस्थानों द्वारा उनके कर्मियों के यूएन नंबर के साथ आधार कार्ड, मोबाइल फोन नंबर और बैंक अकाउंट का लिंक करना जरूरी है, तभी कर्मचारी अपने क्लेम या दावे ऑनलाइन कर सकता है। विभाग जहां इसके लिए कैंप लगाकर प्राइवेट संस्थानों के मालिकों, डायरेक्टरों और अधिकृत अधिकारियों को जागरूक कर रहा है, वहीं उन्हें ऐसा नहीं करने की सूरत में कार्रवाई की भी चेतावनी देता रहा है। पीएफ के क्षेत्रीय कमिश्नर यादव ने बताया कि क्षेत्र की अन्य कंपनियों के खिलाफ भी जल्द ही यही एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभी भी 22,000 सदस्यों के यूएन नंबर के साथ आधार कार्ड, 36,000 सदस्यों के बैंक खाते और 31,000 सदस्यों के मोबाइल फोन नंबर लिंक किए जाने बाकी हैं। दूसरी तरफ उन्होंने प्राइवेट कंपनियों के मालिकों और डायरेक्टरों से अपील भी की है कि अभी भी वे अपने कर्मियों के यूएन नंबर के साथ उनके आधार, मोबाइल और बैंक खाते को लिंक करवाते हैं तो अदालती कार्रवाई से बच सकते हैं। इन संस्थानों के खिलाफ दर्ज किया केस। निशांत यादव ने बताया कि बार बार निर्देश देने के बाद भी कई संस्थान सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। अमृतसर के बटाला रोड स्थित हरगुण अस्पताल, छेहरटा गुमानपुरा के मैसेज MSN कंपनी, छेहरटा GT रोड स्थित मैसेज मनमोहन राय पठानकोट की, RB प्लाईवुड पठानकोट की ही गुरदियाल सिंह एंड कंपनी, तरन तारण बिंकी विंड के गुरु नानक देव डेविस पब्लिक स्कूल और तरन तारण की मैसेज सोनी बदरस मेटल फतेहाबाद के खिलाफ अदालत में केस दायर कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका भी पीएफ ईपीएफ कटता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी केवाईसी लिंक है कि नहीं है यूएन अकाउंट के साथ। और तो मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ।